हेलो स्टूडेंट चलिए डेरिवेशन करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये फिगर है बेटा वाई वन इक्वल टू मान लेंगे वाई वन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड वाई टू इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई अब तुम ये बेटा सोच रहे हो कि ये कहाँ से आया देखो साइन थीटा इक्वल टू ये एक ट्रेंगल बन रहा है जो है ये P पॉइंट नाम दे देना ठीक है ना इस ट्रेंगल की बात हो रही है वाई वन हाइट हो गया और ये जो है इसको A मान लिया गया जो है ठीक है और तुम दूसरे वाले को B मान लो एम्पलीट्यूड, ठीक है ना? तो चलो आ, y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू दोनों को क्या करेंगे प्लस कर लेंगे y1 की जगह पर A साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बेटा वी नो दैट साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है समझ आया सो so, ये साइन ए प्लस बी यहाँ पर पुट कर लेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस बी एस सी रहेगा यहाँ साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा लो साइन ओमेगा टी प्लस और इंटू कॉस फाई इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस साइन फाई ठीक है चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी प्लस बी का मल्टीप्लाई कर लो बी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइ प्लस अब इसमें भी बी का मल्टीप्लाई होगा बी कॉस ओमेगा टी प्लस साइन फाइ ठीक है बेटा अब इसमें देखो ध्यान से साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉमन है तो साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लो साइन ओमेगा टी कॉमन हो गया बचा क्या ए प्लस बी कॉस फाइव प्लस ये बी कॉस ओमेगा टी प्लस साइन फाइव प्लस साइन फाइव ये समझ में आया आप कंसिडर कर लेंगे कि ए प्लस बी कॉस फाई इज़ इक्वल टू कॉस थीटा आर कॉस थीटा और बी साइन फाई इक्वल टू आर साइन थीटा ये कंसिडर कर लें चाहो तो ऐसे भी लिख लो इसको बी कॉस ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी बी इसको साथ इधर भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है है ना चलो यहीं रख देते हैं बी के साथ साइन फाई लगा देते हैं ठीक है लेट क्या कर लेंगे ए प्लस बी कॉस फाइ इज इक्वल टू आर कॉस आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा और ये बी साइन फाइ इज इक्वल टू आर साइन थीटा इक्वेशन वन और इक्वेशन टू पुट कर लो बेटा साइन ओमेगा टी ए प्लस बी कॉस फाइव की जगह पर क्या रखेंगे आर इंटू आर कॉस थीटा ठीक है ना आर कॉस थीटा प्लस बी साइन फाइव की जगह पर आर साइन थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी ठीक है ना ये बेटा मल्टीप्लाई में था क्या था ये मल्टीप्लाई में था ठीक है ना क्या था इसलिए तो इधर उधर कर सकते हैं आर साइन थीटा रख लिया इंटू कॉस ओमेगा टी अच्छा ठीक है आर दोनों साइड में कॉमन है बेटा आर दोनों साइड में कॉमन निकाल लेते हैं तो आर बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस साइन कॉस ओमेगा टी बार बार इसको घुमाया जा रहा है सही से लिख देते हैं क्या नाम है आर साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी है इसके जगह पर आर साइन थीटा तो कॉस ओमेगा टी ऐसी रख लो आर साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी आर तो कॉमन हो गया ना बेटा तो ये क्या दिख रहा है सेम साइन ए प्लस बी का फार्मूला दिख रहा है कॉस ओमेगा टी साइन थीटा उधर रख लो कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा तो आर क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हो जाएगा ठीक है ना चलिए वाई इक्वल टू तो। ये हो गया ओके इक्वेशन वन एंड टू जो माने हैं इसको हम लोग अलग सॉल्व कर लेंगे ठीक है बेटा इसको नाउ सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू नाउ सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू दोनों को प्लस कर लेंगे आर uh, स्क्वायर देखो आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाइ प्लस बी साइन फाइव स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाइ कॉस फाइ का स्क्वायर प्लस बी साइन फाइ का स्क्वायर इतनी बात समझ में आई देखो आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है कॉमन निकाल लो आर स्क्वायर तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखो बेटा बढ़ा जाएगा थोड़ा सा तो मैं इधर लिख देता हूँ आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैसे प्लस थीटा वन होता है ए प्लस बी का square लगा दो ए स्क्त प्लस बी स्क् प्लस टू ए बी कॉस फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ ठीक है ना हमें पता है ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और अगर हम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव को एक तरफ रख लें ठीक है ना चलो एक स्टेप मैं लिखता हूँ ये वन हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू वन एक स्टेप -एक मैं लिखूँगा ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस इसको बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव को यहाँ साथ में रख देता हूँ प्लस टू ए बी कॉस फाइ देखो यहाँ से बी स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब कॉमन ले लोगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर फाइ प्लस टू ए बी कॉस फाइ ठीक है ना चलो इतना नोट कर लो उसके बाद इसी चीज को मैं आगे ऊपर लिखता हूं ठीक है कहा ध्यान से देखो तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वन हो गया तो बी स्क्वायर इंटू वन बी स्क्वायर ही होगा प्लस टू ए बी कॉस फाइ अब तुम्हें एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आर इजक्वल टू अंडर रूट में भी लिख सकते हो चाहो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइ ठीक है ना तो ये हो गया रिजल्टेंट हो गया बेटा ये क्या हो गया रिजल्टेंट अब इस नोट कर लो इसको ठीक है ना इसके बाद तुम चाहो तो देखो वो जो ड्राइव किया था उसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं इसके बाद हम एक और भी कुछ चीज़ें लिखेंगे इसमें जो एग्जाम में पूछा पूछा जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या पूछा जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेटा ठीक है ना चलो तो लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो ये आर इज इक्वल टू आई ठीक है ना बेटा तो आर की जगह पर आई रख लो मतलब ये कह सकते हैं आर इज इक्वल टू आई ठीक है ना तो आर आई ठीक है आई इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू आर स्क्वायर की जगह पर आई रख लेंगे इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ठीक है ना चलो या यहां पर हम एक चीज समझ लेंगे कि ए स्क्वायर भी आई वन के बराबर है और बी स्क्वायर आई टू के आई वन वेर आई वन एंड आई टू इंटेन्सिटी है बेटा ए और बी एम्प्लीटूट है तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू हो जाएगा एक बच्चा पूछा कि सर ये ए बी देखो बेटा जब ए स्क्वायर इक्वल टू आई वन हुआ तो ए इक्वल टू अंडर रूट आई वन हो जाएगा है ना ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट आई वन बी स्क्वायर इक्वल टू आई टू हुआ तो बी इक्वल टू अंडर रूट आई टू हो जाएगा बात समझ में आई चलिए कीड़े टाइम ठीक है ना चलो तो कासफाई रख लेंगे आई तो आई इजल टू लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू तो लिख लो आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू बात समझ में आई चलिए अब लिखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ध्यान से देखना बेटा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अब इस जो डेरिवेशन ये किए हो उसी के हिसाब से सब होगा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको भी नोट कर लो यहां लिखता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ठीक है ना इसमें क्या करना है कि इंटेंसिटी फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू बी मैक्सिमम एट पॉइंट पी इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू बी मैक्सिमम टू बी मैक्सिमम एट पॉइंट कौन सा पॉइंट पी ये वाला पॉइंट पी बेटा तो क्या लिख लेंगे यहाँ देखो मैं कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी वन होगी ठीक है ना पॉजिटिव होगी तो फाई इज इक्वल टू टू पाई एन लेंगे टू पाई एन वेयर एन इक्वल टू होल नंबर जीरो वन टू थ्री डैश डैश ठीक है ना जो भी होगा पुट कर लेंगे इक्वेशन वन मान लो दूसरा फाइ इज इक्वल टू टू पाई एक्स बाई लेडा जो है टू पाई एक्स बाई लेडा वेर एक्स क्या है एक्स इज द पाथ डिफरेंस है ना एक्स एक्स इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन एस वन पी एंड एस टू पी एस वन पी एंड एस टू ठीक है ना तो ये टू मान लो नाउ सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू नाउ सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू वन एंड टू फाइव की वैल्यू यहां पुट कर लो इक्वेशन टू में तो टू पाई एन इज इक्वल टू टू पाई एक्स अपॉन में लेमडा तो टू पाई टू पाई कैंसिल आउट हो गया तो एन इक्वल टू एक्स अपॉन में लेमडा बचा या एक्स इज इक्वल टू एन लम्डा बचा तो जब भी ये कंस्ट्रक्टिव की बात करेगा कंस्ट्रक्टिव की बात करेगा तो एक्स इक्वल टू एन लेमडा लेमडा इज द वेब लेंथ ठीक है ना बेटा एक्स इस डिस्टेंस पी टू इस पॉइंट के लिए कर लो देखो ये मैक्सिमा है मिनिमा है ठीक है ना बेटा एक चलो एक मैक्सिमा है एक मिनिमा है चलिए अब कर लेते हैं बेटा उसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए किसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहां बेटा मिनिमम होगा क्या होगा मिनिमा के लिए कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या था तो कॉस फाइव की वैल्यू यहां माइनस वन रखेंगे तो सेम उसी तरीके से बेटा क्या लिया था कॉस फाइव फाइव इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा लिया था यहाँ फाइव इक्वल वही लेंगे फाइव इक्वल टू टू पाई एन था तो टू पाई एन प्लस वन ले लेना टू पाई एन प्लस वन ठीक है ना या 2 एन प्लस वन पाई ले लेना टू एन प्लस वन पाई लेना तो सही माना है टू एन प्लस वन पाई इक्वेशन वन एंड फाइव इज इक्वल टू टू पाई एक्स बाय लैम्डा Now इक्वेशन टू मान लो इसको पुट दी वैल्यू या इसलिए लिख दो नाउ सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू वी गेट पुट वैल्यू पुट कर लेंगे यहां पर टू पाई एक्स अपॉन में लेमडाइज टू टू एन प्लस वन पाई देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा और एक्स की वैल्यू तुम्हें चाहिए तो टू एन प्लस वन ये उधर जाकर उल्टा हो जाएगा लिमडा बाई टू बन जाएगा ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डिस्ट्रक्टिव में याद रखना कि फाइव इक्वल टू माइनस वन होगा और ये मिनिमम के लिए होगा ठीक है ना चलो और क्या पूछेगा तुमसे और दूसरी चीज पूछेगा कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट मैक्सिमा या मैक्सिमम कह लो मैक्सिमा एंड मिनिमा इसमें क्या करेंगे वही जो अभी डिराइव किया था आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा था यह चुप चुप ए ए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव लिखा था ठीक है ना बेटा चलिए तो मैक्सिमा वाला केस में क्या हुआ था मैक्सिमम वाले केस में ये मैक्सिमम लिख दो यहाँ पर मैक्सिमम वाले केस में कॉस फाइव इक्वल टू वेयर कॉस फाइव इजल टू वन रखा था यहाँ पर वन रख लेंगे तो आई मैक्स इज इक्वल टू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाएगा इन टू वन ठीक है ना या ये कह लो कि आई मैक्स इज इक्वल टू बेटा इतना इतना खुल करके यूट्यूब पर मैं दावा कह रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगा आपको डेरिवेशन ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा वन का मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका उसी तरीके से आई मिनिमा में क्या लिख देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा बिकॉज कॉस मिनिमम में कॉस फाइव इक्वल टू माइनस वन ले लेंगे कॉस फाइव की वैल्यू माइनस वन तो माइनस टू ए भी हो जाएगा बेटा ठीक है ना तो ये आई मिनिमा क्या लिख लोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर रेशियो तुमसे पूछ रखा था तो रेशियो बता दो तो रेशियो टू दोनों को क्या कर लेंगे कर लो आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ऐसे लिख देना कि नाउ सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू वन एंड टू तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी का होल स्क्वायर आई बात समझ बेटा ठीक है ये हो गया ये कब बताना होगा तुम्हें जब पूछेगा कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट मैक्सिमा एंड मिनिमा जब पूछेगा तब दूसरा पूछ सकता है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू टू सोर्स क्या पूछ सकता है मैक्सिमा एंड मिनिमा ड्यू टू टू सोर्स लाइट यहां ड्यू टू चलो इसको हटा देते हैं नोट कर लो लाइट ड्यू टू टू सोर्स ड्यू टू टू सोर्स सोर्सेस ठीक है ना तो क्या कर लेंगे सेम उसी तरीके से आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम या तुम आई मैक्स को आई वन आई टू भी दिखा सकते हो बेटा आई वन आई टू इज इक्वल टू वहां जो था ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर तो यहाँ ऊपर जो है ए का स्क्वायर कर लेना ठीक है ना दूसरा क्या कर लेना बी का स्क्वायर ठीक है square. बेटा आई वन अपॉन में आई टू बस नहीं समझे तो मैं खोल के बता रहा हूं ये लिखा था ना हम लोगों ने कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर दूसरा लिखा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस वाले केस में बी जीरो हो जाएगा और इस वाले केस में ए जीरो हो जाएगा तो आई वन अपॉन में आई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर जब टू सोर्सेस पूछेगा तो बता देना ये तो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब देखिए बेटा ये पूरा डेरिवेशन है और नोट कर लीजिए